तो जिस काम के लिए हम आए थे वो हमने कर दिया है, यहाँ पे आके हमने हमारा तिरंगा फहरा दिया है टॉप पे आके बिल्कुल। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. तो guys, कल है इंडिपेंडेंस डे, मतलब ये vlog आप देख रहे हो तो इंडिपेंडेंस डे, तो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इस इंडिपेंडेंस डे पे हम करने वाले हैं कुछ स्पेशल, मतलब सभी अपने घर घर में झंडे लेके आ रहे हैं, गाड़ियों पे लगा रहे हैं, स्कूटी में, बाइक में, सब जगह झंडा, पूरी सिटी में झंडा झंडा हो रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि हम जाएं पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे झंडा लेके, हमारा तिरंगा लेके, और वहीं टॉप पे जाके उसको फहराएं। तो हाँ, फिलहाल आज हम यही करने वाले हैं, जाएंगे पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे तिरंगा लेके और वहीं पे फहराएंगे, और मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा 75वां इंडिपेंडेंस डे है, तो हाँ काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। तो चलो चलते हैं, पहले तो तिरंगा लेंगे और उसके बाद चलेंगे सीधा। तो मैं, कुनाली, पीयूष, साहिल और चाची जाएंगे, देखते हैं साहिल से पूछूंगा चलेगा, तो नहीं तो फिर हम तो जाएंगे। बस हमको रास्ते में ना बारिश ना मिले, बिकॉज बारिश में लैंडस्लाइड हो सकता है, तो काफ़ी रिस्की होता है, और हमको चलना भी है पैदल। गाड़ी तो लेके जाएंगे, फिर पैदल भी चढ़ना पड़ेगा ऊपर, काफ़ी कुनाली को भी चढ़ना होगा, तो वहाँ पर पूरी घास ही घास होगी, तो हम काफ़ी मुश्किलों का सामना करते ही जाएंगे, लेकिन जाके रहेंगे क्योंकि हमको जाना है टॉप पर और हमारा तिरंगा फैला रहे हैं। तो चलो चलते हैं, चलो बैठो। मेरे को ये गाड़ी सिखा दो, मेरा बहुत मन है गाड़ी चलाने का। अच्छा, मन है? उसके लिए आपको 18 साल का होना पड़ेगा। 18 साल आपके तो पैर भी नहीं पहुंच रहे। पैर से चलाते हैं, इसे तो चलाते हैं, पैर से चलाते हैं। कुछ चल ही नहीं रही है। चल ही नहीं रही है, ऐसे नहीं चलती। निकालो चाबी को, बस सरदा हटा हटा, एक मैं इसे लॉक करता हूं, बंद कर इसे, तो बंद करो। अरे बंद कर दी, खोलो। कभी भी गाड़ी की चाबी इधर मत लेके आना, ठीक है? और कैसे मत करने लग जाना कभी, ये सब चीज़ें डेंजरस होती हैं। अभी आपको पता नहीं, अभी आपको आता नहीं है, ठीक है? चलो उधर चलो, उस सीट पे चलो, और सुनो, इधर भी मत छेड़ना कभी गाड़ी चलते हुए, फिर कैसे भी इधर मत छेड़ना। मुझे पता है सब, इसको सिखाओ। क्या पता है आपको? सब कुछ पता है। क्या पता है ये, किसको क्या बोलते हैं इसको? हैं? क्या बोलते हैं इसको? हैंडल। हैंडल नहीं होता ये, गियर लीवर होता है ये, सब कुछ पता है इसको। तो गाइस, तो ये मेरे साथ में जा रहा है पीयूष, कुनाली और चाची। साहिल घर पे, साहिल यहाँ। तिरंगा मिलेगा कहाँ? तिरंगा मिलेगा कहाँ? तिरंगा हमारे दिलों में है। अच्छा, दिल्ली में मिलेगा? दिल्ली नहीं, दिलों में। दिल, हमारे दिल में। अपने कौन सा चाहिए? ये वाला? यहाँ तो काफी भीड़ हो रही है। बोलो। हाँ, यही वाला। यही वाला। और डंडा? ये डंडा ही मिलेगा या यही मिलेगा? तो फाइनली तिरंगा तो ले लिया हमने, तो अब चलते हैं पहाड़ पे मस्त। तो अभी हमने पहाड़ पे तो एंटर कर लिया है, अब चलते हैं टॉप पे। रास्ता देखो कितना मस्त है। कुनाली आओ, आपको एक चीज दिखाता हूँ, मस्त चीज दिखाता हूँ। गलत तो पाक नहीं की ना, तो थार हमने यहाँ लगा दिया। कुनाली देखो, यहाँ से हमारा हल्द्वानी दिख रहा है, पूरा हल्द्वानी। हमारा घर दिख रहा है, वो उधर है घर। झूठ मत बोल, क्यों नहीं दिख रही है? तो अभी हम निकल पड़े हैं और आगे, तो पहाड़ के टॉप पे चलेंगे, बिल्कुल ऊपर, वो दिख रहा है ना वहाँ पे ऊपर, ओ भाई क्या व्यू आ रहा है सामने देखो। तो अभी गाइस हम आगे किसी गांव में, देखो कितना प्यारा सा गांव है, लेकिन यहाँ पे रोड काफी पतली है देखो, तो संभाल के चलानी पड़ रही है मुझे। तो गाइस अभी हम पहुंच तो गए, लेकिन ये देखो यहाँ से हमको गाड़ी मोड़नी है। ये सौरदा यहाँ नीचे डाल दी थी कि यहाँ पर पार्क लगा देंगे, बट वहाँ पर रास्ता था, सौरदा अभी यहाँ से निकाल रहे हैं। कितनी सी जगह, इतनी सी जगह भाई, ये चल कह रहा है पीछे, चलो इतनी सी जगह बची है, बस बस बस, लेकिन नीचे डाल दी वहां से, चलो चलो चलो। और रुक, अब यहां से लेंगे समझ, थोड़ा पीछे लो, पीछे लो थोड़ा, बस बस बस, अब आ जाएगी। चलो यार रास्ता देखो यार, ये तो पैदल चलने लायक है, इतना सा रास्ता है बस। चलो हम आगे, हमारे पीछे थार चल रही है, मैं तो पैदल ही आऊंगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा है खतरनाक। एक्चुअली गाइस हमको पार्किंग नहीं मिल रही, तो हमको ना एक घर दिखा यहाँ पे, एक घर के आगे देखो यहाँ पे पार्किंग है, तो यहाँ खड़ी कर सकते हैं अगर उनसे पूछेंगे तो। आया ना।
पूछ क्या रहे? तो फाइनली परमिशन मिल चुकी है। चलो 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 चलो, थार को यहीं खड़े रहने देते हैं, हम चलते हैं ऊपर टॉप पे। चलो पैदल जाएंगे यहाँ से, झंडा हमने ले लिया है तो हमको रास्ता मिल गया ऊपर जाने के लिए। तो अभी आ रहे हैं, ये रास्ता है देखो, पतला सा रास्ता है, देखो कितना मस्त लग रहा है यार। है? अबे यार ये डाल के नहीं आना चाहिए था, जींस डाल के आनी चाहिए थी, यहाँ कीड़े भी होते हैं। कुनाली ध्यान से, यहाँ पे कीड़े होते हैं भाई, ध्यान से चलना, यहाँ पे सांप वाप भी होते हैं। चलो चलो अभी तो बहुत ऊपर जाना है, ध्यान से चलो ध्यान से, ये घास बहुत चुभती है। ये कुनाली शॉर्ट्स डाल के आया ना, इसको चुभ रहा होगा पक्की बात है। यहाँ पे तो जींस में आना पड़ता है, वो भी शूज डाल के। ये देखो ये चप्पल में आए हुए हैं, चुभ रहा होगा इनको। चलो चलो मजा आएगा ऊपर, ऊपर इतना मस्त व्यू है ना, मजा आ जाएगा तुमको। ध्यान से कुनाली, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, अरे ध्यान से फिसलोगे। कुनाली ये देखो मक्के, ये देखो ये मक्के होते हैं, ये मक्के होते हैं है? ये मक्के खाते हो ना, जो मक्के मक्के खाते हो ना आप, हाँ निकाल दो हैं, ये पके नहीं है अभी है? ये हमारे नहीं है, ये देखो मक्के अभी कच्चा है ये देखो जो खाते हो ना भाई। ये भाई कुनाली तो मस्त चल रहा है यार, कुनाली को आदत है ना, क्योंकि कुनाली बचपन से पहाड़ में ही रहा है। चाचा जी ने गोद में उठा लिया उसको। चलो 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 ऊपर जाना है अपने को बस, कैसी हाँ चलो कैसी ऊपर पहुंचना है अपने को बस। हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे, भारत माता की, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत। तो गाइस फॉर मी देशभक्ति ओनली ये नहीं है कि झंडा लेके फहराना या फिर झंडे झंडे लेके घूमना बाइकों में, जैसे मैं देख रहा हूँ सब जगह यही हो रहा है। हाँ इससे अच्छा लगता है, काफ़ी प्राउड फील, काफ़ी गूज़बम्स आते हैं झंडे को देख के। बट स्टिल फॉर मी देशभक्ति ये है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी फील्ड में कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मैं ईमानदारी से अच्छे से कुछ काम कर रहा हूँ, चाहे जो भी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, तो वो भी एक देशभक्ति है। तो अगर आप अपने फील्ड में बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी से सबको अच्छे से अपने 100% देके काम कर रहे हो तो आप पूरे अच्छे से देशभक्ति दिखा रहे हो अपनी। कभी कभी इतने अच्छे वचन कैसे बोल देते हो आप? भाई मेरे दिल में जो है मैं बोल देता हूँ बस, ज्ञान मेरे अंदर है, मैं बहुत कम बोलता हूँ सीरियस चीजें ना। उस तो देख उस पहाड़ पे जाएंगे, वो जो दिख रहे हैं ना ऊपर, वहाँ पे चढ़ेंगे। कुनाली मजा आ रहा है? हाँ, जय भारत माता, जय भारत माता। भाई जब कुनाली बोलते हैं ना तो इतना प्यारा सा लगता है ना। कुनाली दोबारा बोलना, तेज बोलो, थोड़ी तेज। तो यहाँ पे क्यूट क्यूट गाय माता भी हमारी और बकरियां भी चल रही हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। और बादल देखो कितने खतरनाक हो रहे हैं, बारिश आ सकती है। और यहाँ पे घास देखो कितनी बड़ी बड़ी घास है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा गाय, अच्छा क्या गिर गया? क्या हुआ? बीड़ी, अच्छा बीड़ी खो गई। नमस्कार, नहीं अच्छा बीड़ी बीड़ी कान में रखते हो? ये देखो इनका स्टाइल देखो, बीड़ी जेब यहाँ चूटा है, यहाँ जेब नहीं है। अच्छा अच्छा तो अभी हम जाएंगे इसके ऊपर। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पहाड़ के टॉप पे, और यहाँ से व्यू देखो कितना मतलब प्यारा व्यू है यहाँ से, और जगह देखो कितनी मस्त, मतलब हरी भरी घास है, मस्त मस्त फूल है यहाँ पर। और सामने देखो हल्द्वानी भी दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पे देखो गाँव भी है, यहाँ पे कुछ घर भी हैं। तो जिस काम के लिए हम आए थे वो हमने कर दिया है, यहाँ पे आके हमने हमारा तिरंगा फहरा दिया है टॉप पे आके। बिल्कुल भाई क्या फीलिंग आ रही है भाई, मजा आ गया। क्या मस्त हवा चल रही है देखो टॉप पे, कितना मस्त लहरा रहा है हमारा तिरंगा। तो अब गाइस चलते हैं यहाँ से, काफी देर हम यहाँ पे थे, काफी मजा आया, ड्रोन भी उड़ा लिया और मस्त मस्त फोटोज भी ले ली, और आप लोगों को भी दिखा दिया हमने टॉप पे आके हमने। और हमारे अलावा यहाँ पे कोई है ही नहीं, ये जगह ना मतलब कम ही लोगों को पता है, ये हमने खुद डिस्कवर की थी। एक्चुअली सीन था, आपको पता होगा मेरा ड्रोन खो गया था, तो मेरा ड्रोन खोया था यहाँ पे, ये जो ये वाला गाँव है ना यहाँ पे ड्रोन खोया था। तो उस दिन हम यहाँ पे आए थे
ड्रोन ढूंढने के लिए, तो हमको इतनी प्यारी जगह लगी भाई, मैं कहा यहाँ तो आएंगे कभी ना कभी, तो आ जाए हम यहाँ पे। देखो इसको भूख लगी है, तो चलो गाइस अब चलते हैं। गाय और बकरी डर रही है हमसे। उल्टा क्यों चल रहे हो? कुनाली से बड़ी तो घास है यहाँ पे। तो गाइस 15 अगस्त पे ना मुझे कुछ स्पेशल करना था, तो हाँ यही था मेरे लिए स्पेशल, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हमने अपना तिरंगा फहराया, वो भी टॉप पे आके पहाड़ के, तो हाँ मिशन सक्सेसफुल हो गया। मुझे डर लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश में तो आ नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि बारिश में तो फिर लैंडस्लाइड भी होता है पहाड़ों पे, तो हाँ बारिश नहीं हो रही, बादल तो हो रहे लेकिन बारिश हो नहीं रही है। हमको यहाँ आने में लगे 3 घंटे, रास्ते में हमारी थार फंस भी गई थी, हमको रास्ता नहीं मिला था, फिर इतनी मुश्किल से यू टर्न लिया मैंने, लगने वाली थी लेकिन पीयूष ने बचा ली। कुनाली सबसे आगे चल रहा है, हमको रास्ता दिखा रहा है क्योंकि इसको पता है ना रास्ता, है ना कुनाली? ले अब पीयूष आगे आगे, भाई पीयूष कुनाली को आगे नहीं देता, अब देखना अब लड़ेंगे, पक्की बात लड़ेंगे। अरे नहीं यार गिर जाओगे तुम, पहाड़ से नीचे गिर जाओगे। क्या हो कुनाली, रोने लग गए? क्यों रुलाते थे उसको? पीयूष हमेशा रुलाते रहते उसको, मैंने आपको दिखाया नहीं है लेकिन ये इतनी बार लड़ गए ना। तो हम जा रहे हैं वापस नीचे कंधे पे। अरे क्या हो गया? अच्छा कह रहे गोद में मत उठाओ, जाऊंगा पैदल ही, पीयूष से आगे जाऊंगा कह रहे। भाई ध्यान देना फिसलन, कैसे कूद रहा भाई, वही कैसे कूद रहा है कुनाली, को डर नहीं लग रहा? कूदो मत, गिर जाओगे। गिर गया। तो चलो अब इसको तह करके रख देते हैं अच्छे से, लड़ाई मत करना। यार फिर लड़ाई। पिटे हो रहे हाथ से। चलो हो गया तय, अब चलते हैं। चलो आने दो। भाई कितनी मस्त कट गई है। चलो। भाई मेरे को डर लगता है, मैं जान निकल जाती है मेरे तो। पहुंच गए जहाँ हम यूजुअली आते हैं। तो थार यहाँ पार्क कर दिया, चल। क्या चाहिए? मैगी। तो 1, 2, 3, 4 मैगी कर देना। ये जगह मस्त है, हमेशा यहीं पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्किंग भी है गाड़ी की और यहाँ खाना भी मस्त मिलता है। ये वेज मैगी है, ये प्लेन मैगी, ये प्लेन खाता है कुनाली। बच्चे की तो किसको दोगे? बच्चे की तो मेरे को दोगे ना? अरे थैंक यू कुनाली। तो गाइस मैगी तो खा ली और कुनाली की भी खा ली है, तो चलो अब चलते हैं सीधा घर। तो फाइनली पहुंच चुके घर, अंधेरा हो गया हमको लेकिन अब प्राउड फील हो रहा है, इतना मस्त फीलिंग आ रही है ना क्योंकि झंडा फहरा के आए हैं हम पहाड़ के टॉप पे। तो चलो मम्मी हम पहाड़ के सबसे टॉप पे गए थे, हमने तिरंगा लहराया था वहां पे पहाड़ में। ओलू तो चाची यहाँ बनाई रोटी, क्या बने सब्जी, क्या बनाई है? तो साहिल है यहाँ पे, आज हम पहाड़ के टॉप पे गए थे, काम था। तो गाइस साहिल के तो अलग ही काम चल रहा है, हमारे साथ में नहीं आता अभी, तो अपना डिनर तो आ गया, अभी रोटी खाते हैं मस्त। चलो तो डिनर भी हो गया, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।